ईशान पानी तुमने वो जो 1 लाख रुपए दिए थे ना वो कहीं खो गए हैं। खो गए? 1 लाख रुपए खो गए तुमसे? हाँ वो मैंने जिस बैग में रखे थे गलती से वो मैं मार्केट ले गई और सामान लेते वक्त पता नहीं कहाँ वो पैसे गिर गए। तुम्हें कहा किसने था वो बैग मार्केट में ले जाने के लिए? पैसों से भरा बैग तुम भी मार्केट में लेके चली गई? अरे मेरा पर्सनल पैसा नहीं था, वो क्लाइंट का पैसा था। कैसे कैसे पेमेंट करूंगा मैं? हैं क्या मुझे दिखाऊं क्लाइंट को? आई एम सॉरी ईशान। तुम्हारे सॉरी बोलने से पैसे वापस आ जाएंगे है ना? ईशान तुम यार 1 लाख रुपए के लिए इतना चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर? 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए ऊपर छोटा अमाउंट। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 9 बजे घर में घुसता हूँ। सारा दिन बॉस के आगे पीछे घूमता हूँ, क्लाइंट की गालियां खाता हूँ, तब जाके आते हैं 1 लाख रुपए और तुम घर बैठ के पैसे उड़ा रही हो बस मेरे। ईशान तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, तमीज से बात करो। तुम तमीज सिखाओगे मेरे को? मैं सुन मेरी बात, इस घर में जब आई तब तेरे पास 1 लाख रुपए होंगे, समझी? क्या कर रहे हो ईशान? ईशान छोड़ो मुझे। प्रिया, ईशान तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया मैं तुम्हें घर ले जाना आया हूँ, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। नहीं ईशान, मैं तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जिसे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है। तुम अपने गुस्से में मुझे मारते हो, पीटते हो, घर से धक्के देके बाहर निकाल देते हो। तुम जाओ यहाँ से। प्रिया उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ मुझसे, गुस्से में मैंने अपना आपा खो दिया, पर आई स्वेयर आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। फिलहाल तुम प्लीज घर चलो यार। नहीं मैं तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। प्रिया तुम्हारे बिना बहुत सूना लगता है वो घर। ईशान वो सूनापन तुमने अपने लिए खुद चुना है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुमसे, जाओ यहाँ से। ईशान पानी तुमने वो जो 1 लाख रुपए दिए थे ना वो कहीं खो गए हैं। खो गए? 1 लाख रुपए खो गए तुमसे? हाँ वो मैंने जिस बैग में रखे थे गलती से वो मैं मार्केट ले गई और सामान लेते वक्त पता नहीं कहाँ वो पैसे गिर गए। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है अब रिलैक्स, खो गए तो खो गए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? देखो गुस्सा तो आया मेरे को ये न्यूज़ सुनकर, पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि पैसे तो खो गए। ईशान वो पैसे तुमने कितनी मेहनत से कमाए थे, अब कहाँ से दोगे तुम क्लाइंट को वो पैसे? डोंट वरी, ऐसी सिचुएशंस के लिए मैंने पैसों को बैकअप बना रखा है थोड़ा सा, तो क्लाइंट को मैं उसमें से पे कर दूंगा। और मैं मानता हूँ कि पैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो चीज़ खो गई है उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में डिस्कस करके मैं हमारा रिलेशनशिप थोड़ी खराब करूँगा। थैंक गॉड ईशान, मैं तो घबराई गई थी कि पता नहीं तुम क्या कहोगे, कैसे रिएक्ट करोगे इन सब पर। देखो अगर मैं इन बातों पर फोकस करूँगा तो हमारा रिश्ता कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, और क्या फ़ायदा इन चीज़ों की वजह से अपना रिश्ता खराब करने का। पर हाँ आगे से तुम इन चीज़ों का ध्यान रखना समझी। आई प्रॉमिस ईशान मैं आगे से ध्यान रखूँगी, एंड थैंक यू वेरी मच।